बैक टू आवर चैनल तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून कैरेक्टर जो सभी का फेवरेट है तो ये है हमारे पास जो डोरेमोन है ये हम बनाना दिखाएंगे आपको ये कि बहुत ही आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं क्ले से और क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी डॉल के साथ बनानी डॉल के साथ बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है तो सोचा हमने क्योंकि पहले थोड़ा सा इजी वे से दिखा देते हैं उसके बाद हम आपको डॉल से भी दिखाएंगे तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख पाए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज और चलिए शुरू करते हैं पहले तो देखिए ये इमेज को लेकर हम डोरेमोन को बनाने वाले हैं तो ये हमारे पास क्ले है जो कि काफी अच्छा है और स्मूथ भी है अब हमें क्या करना है बॉल्स बना कर रखनी है जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा तो चार बॉल्स ले ली है दो इक्वल साइज की है और एक थोड़ी छोटी और एक थोड़ी बड़ी जो बड़ी है वो हमारे हेड के लिए चाहिए क्योंकि डोरेमोन का हेड जो है काफी बड़ा होता है उसकी बॉडी के हिसाब से तो ये बॉटम पार्ट है जिसे हम बना रहे हैं ये टूल आपके पास नहीं है तो डोंट वरी आप पेन से सकते हो पेन का रिफिल होता है ना उससे कर सकते हो बाकी की चीज़ें हैं उसे डिटेलिंग है वो थोड़ी बहुत आपको करनी है और यहाँ पर आप देखिए शूज बनाने के लिए हमने टू इक्वल साइज की बॉल्स को यहां पर बस प्रेस कर देंगे पहले हमें बॉल ही बनानी है राउंड शेप में बस उसे प्रेस करना है तो वो फ्लैट हो जाएगा अब यहां पर बाजू बन गई है बाजू के आगे भी हमें इसी तरीके से बनाना है बॉल्स को और यहाँ पर हम चिपका देंगे अच्छे से लाइक like एक हमारा हाथ है नीचे की तरफ और एक हाथ है हमारा ऊपर की तरफ तो ये दोनों देखिए हमारी नीचे की बॉडी तैयार हो चुकी है अब हेड बना रहे हैं हेड बनाने के लिए हमने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया हल्के हाथ से और ये जो वाइट पार्ट है उसको भी यहाँ पर लगा देते हैं अब क्या करना है आईज बनानी है ना हमें आईज बनाने के लिए हम दो बॉल्स ले लेंगे इक्वल साइज की लेंगे ध्यान रखें नहीं तो छोटी मोटी आ जाएगी तो इनको प्रेस कर देंगे हल्के हाथ से और उसके बाद क्या करना है देखिए नोज़ को हम यहाँ लगा देंगे रेड कलर का क्ले लेकर नोज़ लगा देंगे और ये चीज़ हमें फेस का जो रहता है ना माउथ वाला पार्ट हम इसको कट करके यहाँ पर लगा रहे हैं ये मैं लगा रही हूँ बट ये मेरी एक मिस्टेक हो गई थी क्योंकि लगाने के बाद मुझे बहुत मोटा लगा और जब निकाल दिया तो ये इसमें नीचे मार्क आ गया तो इससे हमें एक सबक सीखने के लिए मिलेगा इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है तो जो आपको आगे समझ में आएगा कि क्या है अब ये देखिए इस पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिप में कट करके यहाँ पीछे की तरफ लगा देते हैं तो वो हमारा सेट हो गया अब है अब ये जो क्लॉक रहता है ना उसके गले में वो पेंडेंट टाइप उसको भी यहाँ पर लगा देते हैं अब हम इस पार्ट को करेक्ट करने के लिए एक्रिलिक पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब इससे हमें सीखने के लिए ये मिला कि अगर हमारे पास मल्टी कलर्ड के क्ले नहीं है इमेजिन आपके पास सिर्फ वाइट एंड ब्लू ही है तो बाकी का कलर कैसे करें तो उसके लिए आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमने इसमें माउथ के लिए कर दिया तो ये इस छोटे से मिस्टेक से हमें काफ़ी कुछ और सीखने के लिए मिल गया ना तो हमेशा अपनी गलतियों को इस तरीके से पॉजिटिव वे में लीजिए तो देखिए डिटेलिंग अब यहाँ पर हम कर रहे हैं तो इस डिटेलिंग के बाद ही हमें डॉरेमॉन कम्प्लीट लगेगा अभी तो आपको ऐसे ही लग रहा है ना तो यहाँ पर मैं थिन मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ हालांकि तभी करना है आपको जब हमारा क्ले अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद ये सारी डिटेलिंग हम करने वाले हैं तो बस जितने भी डिटेलिंग है उसे हम कर लेंगे और हमारा जो है ना देख आप एंड में देखोगे कि जो डोरेमोन है वो एग्जैक्टली exactly वैसे ही बन गया है जैसा कि हमने इमेज फ़ोन की इमेज में आपको दिखाया था ना बिल्कुल वैसा ही बनने वाला है साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे मर्जी बना सकते हैं क्ले का यही फ़ायदा है तो यहाँ पर हमने उसकी टंग बना दी है उसमें को भी थोड़ी आउटलाइन दे दी है तो बन गया ना एग्जैक्टली सेम हाउ क्यूट तो आई होप देखिए आपको सारा अच्छा लगा और आसान भी लगा हो तो कैसे लगे आपको हमारे क्यूट से डोरेमोन बनाने का तरीका अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है आप देखना चाहते हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं वहां पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में तो कर ही सकते हैं और बाकी बस ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा अपना सपोर्ट देते रहिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड की जल्द एक नए वीडियो में चल दिन बाय